बहुत अच्छी हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। कितना कितना आप जब आते हो और जितना वो बारीकी से हर एक कोचेज की बातें आपको याद रहती है ना, और जब वो आप बोलते हो ना तो एकदम कहते हैं ना एकदम हैप्पीनेस आ जाता है, मतलब इस तरह से। अच्छा सबसे पहली बात, आप मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि जब से मैराथन रन हो रहा है ना, आप कंसिस्टेंट विनर हो। ये कैसे करते हो? क्योंकि ये ना सभी लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आज स्टेप दो, हम लोग सुन रहे हैं कि कंसिस्टेंट विनर कैसे बनते हैं। मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद ए 16वीं मैराथन रेस है। मैं सभी मैराथन में पार्टिसिपेट हो गई। सुपर्ब, और विनर कितने में रहे हैं आप? 10 बार मैं विनर हूँ। ओह माय गॉड, सुपर्ब सुपर्ब, इससे ज्यादा शानदार तो बात ही नहीं हो सकते। मतलब 10 बार विनर रह सके। जितने भी लोग हैं जो डरते हैं कंपटीशन से, आप आंटी से सुन सकते हैं, 10 बार, 16 बार पार्टिसिपेट किया, 10 बार विनर रहे हैं। आंटी एज भी बताइए अपना। 71। 71 ईयर में 10 बार विनर। मैं तो सबसे पहले पटाखे फोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि ये ना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, करेक्ट? यस। आपने पूरा होलसम, मतलब अपने 10 बार के विनर का, अभी जिसको कहते हैं ना हम लोग 10 बार के विनर को क्या बोलते हैं, गोल्डन जुबली है ना, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस बताइए। सुपर्ब। हार के बाद जीत है, एक जिंदगी की रीत सिखाने वाली मैराथन। मैराथन की जब अनाउंसमेंट होती है तब मेरा मन खुशी से भर जाता है। मन मन से ही मैं शालेय जीवन में प्रवेश करती हूँ और बुढ़ापे में बचपना महसूस करती हूँ। ये मैराथन मुझे सबसे बड़ी सीख देता है कि जीत संयम से लेनी चाहिए और हार खिलाड़ी वृत्ति से स्वीकारनी चाहिए। यह सबक मुझे मैराथन से ही मिलती है। इस मैराथन में मैंने 10 दिन में 2.8 केजी वेट लॉस किया है। आज का दिन रिकॉग्नाइजेशन का दिन नहीं तो मेरे लिए ये दिन जिम्मेदारी संभालने का दिन है। जिम्मेदारी की जवाबदारी बताने वाला दिन है। जो वेट कम हुआ है उसे मेंटेन करना, यही मेरी जिम्मेदारी। अच्छा बोलते हो आप। सबसे ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है कि मैंने जिंदगी की मैराथन जीती है, जीत ली है। जिंदगी की मैराथन जीतने के लिए अमित सर और कम्युनिटी ने ही मुझे गाइडेंस किया है। इससे सबसे बड़ी ज्यादा बात क्या होती है, मुझे ये मैराथन बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैराथन के 10 दिन में डिसिप्लिन महत्वपूर्ण होती है और डिसिप्लिन का पालन करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हर रोज वेट चेक करना, वेट ज्यादा कम हुआ तो बहुत ही मैं खुश होती हूँ, और एखादे दिन जब वेट 100 ग्राम से कम होता है 100 ग्राम से, तब मेरे मन में प्रश्न आता है मेरी क्या गलती हुई कि मेरा वेट कम नहीं हुआ। ये सोचने के ये 10 दिन होते हैं। 10 दिन में डिसिप्लिन का पालन करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैराथन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं हर एक मैराथन में पार्टिसिपेट होती है। इसके अलावा मैं इस मैराथन में पार्टिसिपेट होकर अमित सर को थोड़ी बहुत गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। कम्युनिटी ने मुझे सबसे ज्यादा बड़ा गिफ्ट हेल्थ का दिया है। अब मैं मेडिटेशन फ्री हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं गिफ्ट के लिए मैराथन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं होती। मैं
कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैराथन में पार्टिसिपेट होती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। पता है आंटी, आपने जितनी भी लाइंस बोली ना, उस हर एक लाइन में एक एक सीख थी हर किसी के लिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना, अपने कोच के लिए ग्रेटफुल फील करना, पार्टिसिपेशन क्यों करना है, आपने मतलब हर एक चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और आपसे हम लोग इतना कुछ सीखते हैं, कहते हैं ना मतलब आपकी जो समझ है लाइफ को लेकर के, हमारे कम्युनिटी को लेकर के, यहाँ के लोगों के प्रति जो आपका प्यार है, जो कंपटीशन रन होता है उसके लिए जिस तरह से आपके भाव है, ये बहुत ही अलग तरीके का। और आपका कमिटमेंट मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल का है सही में। और मैं सही में बहुत खुश हूँ कि आप अब एकदम मेडिकेशन फ्री लाइफ लीड कर रही हैं, और वो भी मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट आपके लिए भी, हमारी कम्युनिटी के लिए भी, और डेफिनेटली अमित सर के लिए तो होगा ही क्योंकि वो आपके कोच हैं, तो उनको भी बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं थोड़े से बोलना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ, तुम सब कोचेस मेरे से छोटे हैं, उम्र से छोटे हो, इसीलिए अमित सर ने और कम्युनिटी के सारे कोच ने जो मिशन हाथी लिया है उसके लिए मैं सब कोचेस को और अमित सर को शुभ आशीष देना चाहती हूँ। और तुम सारे कोचेस ज्ञान से बड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सबके सामने नतमस्तक होती हूँ। थैंक यू सो मच शांति। थैंक यू हमारा भी ग्रेटिट्यूड आपके लिए।